किसी प्लांट का मेन रूट और उस मेन रूट की ब्रांचेस उस प्लांट को सॉइल में पक्का मजबूत कर देती है। ओके, यानी एक पौधे में सिर्फ एक बड़ी जड़ या छोटी जड़ों का समूह हो सकता है। इन जड़ों के कई छोटे बाल होते हैं। मुख्य जड़ और इसकी शाखाएं मिट्टी में मजबूती से पौधे को बनाती है, ठीक करती है। ओके, मिट्टी में उसको मजबूती से पकड़ के रखती है। कौन? उस प्लांट की मेन रूट और उस मेन रूट की ब्रांचेस। देन द फाइन हेयर्स ऑफ द रूट्स हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, जो जड़ों के महीन बाल होते हैं वो पौधों को मिट्टी से पौधों को मिट्टी से एब्जॉर्ब क्या है वाटर को अवशोषित करती है, मिनरल को अवशोषित करती है मतलब खनिज को अवशोषित करती है, साल्ट्स मतलब लवणों को अवशोषित करती है। ओके, इन सभी को वो अवशोषित करता है कि कहाँ से? मिट्टी से। कौन करता है? दैट इज़ द रूट, मतलब प्लांट का जो रूट है, प्लांट का रूट उसको लगने वाली जो चीज़ें हैं जैसे वाटर है, मिनरल्स है, साल्ट्स है, इन सभी को वो ज़मीन से ऑब्जर्व करता है अवशोषित करता है उसको उसकी ग्रोथ करने के लिए या फिर उसको ज़िंदा रखने के लिए। देन द रूट ऑल्सो पुशेस द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स अप इनटू द स्टीम, मतलब ये जो रूट है ये रूट जो उसने वाटर मिनरल और साल्ट्स जो अवशोषित किया है उस अवशोषित किए सभी चीज़ों को स्टीम में पहुंचाने का काम किसका होता है? रूट का। मतलब ये जो रूट है ये रूट उन सभी चीज़ों को स्टीम में पहुंचाता है। ओके, ध्यान में रखना, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स अप इन टू द स्टीम, ये सभी उनको स्टीम में पहुंचाता है। देन नेक्स्ट अगर देखते हैं, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स, दे आर टैप रूट एंड फाइब्रोस रूट। ओके, सो टैप रूट, इन मेनी प्लांट्स द स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे ये टैप रूट है, ये देखो ये मेन रूट।